दोस्तों, टिक्स जो हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं और बहुत ही हार्डी इंसेक्ट है। ये इनकी बॉडी के ऊपर कुछ वैरायटी में कारपेस होती है जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर है, और कुछ सॉफ्ट टिक्स होते हैं उनमें ये लेयर एब्सेंट होती है। दोस्तों, टिक्स सिर्फ ब्लड सक नहीं करते हैं, कई जानलेवा बीमारियाँ लेके घूमते हैं और आपके डॉग्स को कई जानलेवा बीमारियाँ दे सकते हैं। टिक बोर्न डिजीजेज जैसे बेबेशिया, एनाप्लाज्मा, अर्लीशिया, पायरोप्लाज्मा, इस तरह के कई ऐसे परजीवी आपको प्रोटोजोअन है जो, या रिकेट्सिया है जो आपके डॉग की बॉडी में जब खून सक करते हैं उस टाइम पे अपनी प्रोबोसिस, अपनी सूंड से सक करने से पहले वो एक एंटीकोगुलेंट डालने के दौरान आपके डॉग की बॉडी में डाल देते हैं। एंटीकोगुलेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि उनकी जो सूंड है जिससे प्रोबोसिस बोलते हैं वो बहुत ही मुहिम और बारीक होती है, और खून की, अपने खून की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लॉट हो जाता है। इसके लिए टिक्स ने ब्लड सक करने के लिए पहले आपके डॉग के शरीर के ऊपर बाइट करने के बाद एक एंटीकोगुलेंट जो खून को थक्का बढ़ने से रोकता है वो छोड़ता है, और उसी दौरान उसकी लार्व के साथ में कुछ इस तरीके के प्रोटोजोआ और रिकेट्सिया आपके डॉग की बॉडी में डाल देता है। ये हिम प्रोटोजोन जो कि ब्लड में पैरासाइट की तरह रहते हैं, ये आपके डॉग के ब्लड में प्लेटलेट काउंट को कम कर देते हैं, और लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है उनको अभी काउंट बहुत कम कर देते हैं। उससे आपके डॉग को हाई फीवर आता है, एनीमिक हो जाता है, और उसके अलावा कई वाइटल ऑर्गन्स पे बैड इफ़ेक्ट देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेबेशिया, अर्लीशिया, एनाप्लाज्मा, इस तरीके के जो प्रोटोजोआ हैं ये बहुत ही घातक हैं, और इनका कंट्रोल सिर्फ तभी हो सकता है जब आप अपने डॉग की बॉडी पे टिक्स को नहीं आने दें या अपने कैनल सेटअप के अंदर टिक्स फ्री हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि टिक्स से अपने कैनल को कैसे फ्री किया जाए। मैंने जनरली ये पाया है कि जो क्लाइंटेज है या जो मेरे फेलो ब्रीडर्स हैं वो अपने डॉग की बॉडी से टिक को रिमूव करने में ज़्यादा पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं, बट मेरा ये कहना है कि टिक्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो ब्लड सक करते हैं एग्स ले करने के लिए, और वो कुछ समय तक आपके डॉग की बॉडी पे रहते हैं, और वहाँ से उतरकर वो आपकी कैनल की या घर की दीवारों पे चढ़ के उनके सर्विसेज में, क्रैक्स में वहाँ घुस के वो एग्स ले करते हैं। वहाँ एग्स ले करने के बाद वो वापस से आ जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में आपके यहाँ टिक्स हो जाएंगे अगर आपके घर में आपके डॉग की बॉडी पे एक या दो टिक भी हैं तो, क्योंकि एक बहुत प्रोलिफिक ब्रीडिंग इंसेक्ट है और ये बहुत हायर रेट पर ब्रीड करते हैं। यदि आपके पास, आपके डॉग की बॉडी में एक या दो टिक हैं, तो आप ये मान लीजिए कि महीने में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में उन दो टिक से भी टिक्स हो सकते हैं। बचाव के लिए आप अपने डॉग्स को, जैसा कि आप सब जानते हैं, वेटनरियन के पास ले जाएंगे, इंजेक्शंस लगवाएंगे, मार्केट में आपको कई स्पॉटन अवेलेबल है, बॉडी वॉशेज अवेलेबल है, शैम्पूज अवेलेबल है, एप्लीकेंट्स, टॉपिकल एप्लीकेंट्स अवेलेबल है, स्प्रेज अवेलेबल है। ठीक है, वो सब तो बहुत ज़रूरी है ही है, बट मैं अपने अनुभव जो मैंने किया है उससे आपके साथ मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ टिक्स के एडल्ट्स को और सब एडल्ट्स पे ही इफ़ेक्ट करती है, और आजकल कुछ ऐसे सॉल्ट्स आए हैं जो उसके निम्फ और लार्वल स्टेज को भी कवर करते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो उनके एग्स को डिस्ट्रॉय कर सके। दोस्तों, केमिकली एग को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसके लिए एक अनुमान लगा के एक फ्लेम गन तैयार करी है, जिससे हम आगे आग लगा देते हैं, एलपीजी सिलेंडर से कनेक्ट कर देते हैं, और वो एक लंबी रॉड होती है जो ब्लू फ्लेम फ्लो करती है, थ्रो करती है। उस ब्लू फ्लेम से हम हमारे कैनल में एवरी 14 डेज पे पूरे कैनल की सारी दीवारों पे, रूफ से अटैच से लेके नीचे तक सभी क्रैक्स में और फ्लोर्स पे, यदि हम अगर बर्निंग करते हैं फ्लेम गन से, फायरिंग करते हैं, तो आप मानिए कि जो बर्न होने जैसी चीज़ें नहीं है वो नहीं होगी,
आपके टिक्स के एग्स भी बर्न हो जाएंगे और टिक्स फिजिकली डैमेज होने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन ख़त्म हो जाएगी और आपके टिक्स की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी जब तक कि आपका डॉग वापस से कोई टिक बाहर से लेके या आप लोगों के साथ में फोमाइट्स के साथ में वो टिक्स वापस नहीं आता है तब तक। दोस्तों, टिक्स बहुत घातक हैं और टिक्स की रोकथाम के लिए ये फिज़िकल डैमेज का फार्मूला मैं आप सभी को देना चाहता था और बताना चाहता था, इसलिए मैंने स्कूबर्स के माध्यम से उचित समझा कि मैं आपको ये बताऊं। इसके अलावा यदि आप अपने बॉडी डॉग की बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो वो पूरे हर जगह अवेलेबल है और आप लोग इस बारे में भलीभांति जानते हैं।